पिछले 7 वर्षों से गणेश मंदिर टेकड़ी, बड़ा ताजबाग और दीक्षा भूमि को पर्यटन स्थल घोषित कर दर्जा देने के लिए शहर के सामाजिक कार्यकर्ता भूषण दर्वे इन्होंने कई आंदोलन किए थे, किंतु सरकार इस पर चुप्पी साधे बैठे है, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया है। नागपुर शहर की आन पान और शान पनी ऐसे बड़ा ताजबाग, गणेश टेकड़ी और दीक्षा भूमि आदि को पर्यटन स्थल घोषित कर दर्जा देना चाहिए। इसके लिए सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा नागपुर उपाध्यक्ष भूषण दर्वे इन्होंने बहुत बार आंदोलन किए थे। दीक्षा भूमि को राज्य सरकार ने 8 मार्च 2016 को अदर्जा घोषित किया है, किंतु गणेश टेकड़ी मंदिर और बड़ा ताजबाग इस स्थली पर अब तक राज्य सरकार द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए है, पर्यटन स्थली घोषित नहीं की गई है। अब तक के भूषण दर्वे इन्होंने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रशेखर बावनकुड़े, विधायक विकास कुंभारे, कृष्णा खोपड़े, गिरीश व्यास के साथ साथ पर्यटन और नगर विकास के प्रधान सचिव इन्हें भी इस विषय से अवगत कराया है, लेकिन अफसोस कि इस पर अब तक काम नहीं किया गया है। ऐसी जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता भूषण दर्वे इन्होंने दी है। मेरा नाम भूषण दर्वे है, मैं भाजपा नागपुर शहर का उपाध्यक्ष हूँ और जागृत सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और गणेश भक्त और ताज बाबा का भक्त हूँ। मेरा आपके चैनल से माध्यम से कहना है कि 17/12/2005 को महाराष्ट्र सरकार ने दीक्षा भूमि, ताजबाग, गणेश मंदिर टेकड़ी को क क्षेत्र दर्जा घोषित किया था। उसके बाद कोई दर्जा उन्होंने घोषित नहीं किया था। मैंने माहिती के अधिकार में जानकारी लाया था कि इनको अ या ब पर्यटन क्षेत्र दर्जा है क्या, तो मुझे जानकारी मिली कि ऐसा कोई दर्जा है नहीं और किसने उनकी मांग की नहीं। नागपुर शहर में, विदर्भ में, महाराष्ट्र में, पूरे देश में सबसे पहले मैंने इसके लिए मांग उठाई थी 30/1/2013 को, और उसके लिए मैंने आज के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो पृथ्वीराज चौहान है, जो दूसरे अपने देवेंद्र फडणवीस है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी है, अब वित्त मंत्री, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार विकास कुंभारे, कृष्णा खोपड़े, गिरीश व्यास, सुधाकर कोळे, प्रधान सचिव और सभी जितने लोग हैं उनको मैंने इसके बारे में निवेदन दिया था। मेरी रणनीति है, पार्टी से तो मैं त्याग नहीं करूँगा, पार्टी में रह के लड़ूंगा, पर मेरी रणनीति ये रहेगी इसमें, अगर ये सुनते नहीं है तो मैं इनके खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित दाखिल करूँगा, और इसलिए करूँगा मेरे पास पूरे कागजात है। मैं प्रधान सचिव है पर्यटन विभाग के, उनके खिलाफ, महाराष्ट्र के जो मंत्री उनके खिलाफ मैं जनहित याचिका दाखिल करूँगा। आपको जानकारी मालूम है, आजकल कितना भी आंदोलन करो, कुछ करो, सरकार कुछ सुनती नहीं है। आज महाराष्ट्र में हाईकोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, मैं इनके खिलाफ जनहित याचिका दाखिल करूँगा और मैं अपनी पूरे कागजात के साथ अपनी बाजू रखूँगा, और मैं ये बताने का चाहता करूँगा, इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। ये लाखों करोड़ों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों को न्याय मिलाने की इसमें भावना है मेरी, और मैं न्याय दिलाने के लिए हाईकोर्ट में जनहित दाखिल करूंगा। सामाजिक कार्यकर्ता भूषण दर्वे, इन्होंने कई बार आंदोलन किए इस विषय को लेकर, लेकिन राज्य सरकार ने इस ओर अनदेखी की है। जब हमने उनसे पूछा कि अब आपकी रणनीति क्या होगी, तो उन्होंने ये कहा कि अब मैं हाईकोर्ट में जाके इनके खिलाफ जनहित याचिका दायर करूंगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ संजय मीरे, INBCN न्यूज़ नागपुर।